मुंबई क्रूज शिप में ड्रग्स को लेकर हुए भंडाफोड़ में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की हुई गिरफ्तारी। जहां इस मामले में जांच अब और फैल गई है। खबर है कि लग्जरी क्रूज से जुड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नमस्ते को को-फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया। फाउंडर की गिरफ्तारी और दोस्त अरबाज मर्चेंट, जिनका कथित तौर पर पैडलर से संपर्क था, से पूछताछ के अलावा एनसीबी का दावा है कि उनका गिरफ्तार ड्रग पैडलर श्रेयस नायर से भी लिंक है। कहा जा रहा है कि श्रेयस ने कथित तौर पर 25 पैसेंजर्स को ड्रग सप्लाई किया था। संभावना है कि ड्रग्स को क्रिप्टो करेंसी के जरिए। इसी बीच एनसीबी क्रूज के सीईओ को दूसरी बार समन भेजा है और अब उनसे सीसीटीवी डिटेल्स और पैसेंजर्स की लिस्ट के अलावा फिर से सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं मुंबई पुलिस ने क्रूज पर रेव पार्टी के लिए फॉर्मल परमिशन ना लेने के लिए शिप ऑफिशियल्स के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो ऑर्गेनाइजर्स पर कोविड नियमों का पालन न करने, एंटरटेनमेंट टैक्स न चुकाने और अरब सागर में साइक्लोन वार्निंग्स को इग्नोर करने के आरोप लगे हैं। फिलहाल एनसीबी ने मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है।